आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्ती का हॉल, जिनको आप कैरी कर सकती हैं डेली वियर के लिए एज वेल एज अपने वर्क वियर के लिए। हे गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन माय चैनल। मैं हूँ निधि और आप देख रहे हैं ग्लैम विद निधि। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल हॉल लेकर आई हूँ। तो आज का पूरा ही कलेक्शन आपको मिल जाएगा अंडर 400। वैसे इनकी रेंज अंडर 360 और 370 ही आपको सारे पीसेज मिल जाएंगे। कुछ 200 में है, कुछ 300 में है, तो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होने वाला है। और इस तरह के हैं जिनको आप डेफिनेटली घर पर भी बहुत ही कंफर्टेबली कैरी कर सकती हैं। आज के हॉल में शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही कुर्तियां होने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से वीडियो। बस अगर आपको आज का कलेक्शन पसंद आया और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, तो याद से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर जरूर हिट कीजिएगा। अच्छा, आज का जो कलेक्शन मैंने आपके लिए पिक किया है, वो मैंने पिक किया है शॉपसी से। तो शॉपसी एक फ्लिपकार्ट का ही लाइक प्लेटफॉर्म है, तो जो चीजें फ्लिपकार्ट पर आपको मिलती हैं सभी शॉपसी पर भी मिल जाती हैं और बहुत ज्यादा अफोर्डेबल रेंज में मिल जाती हैं। तो फ्लिपकार्ट का ट्रस्ट है, तो इजीली आप वहां से शॉपिंग कर सकती हैं। बाइंग लिंक सभी मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इजीली इनकी शॉपिंग कर सकती हैं। फर्स्ट जो पीस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज के कलेक्शन का, मेरा सबसे ज्यादा पर्सनल फेवरेट यही वाला पीस है, क्योंकि इसका जो प्रिंट है वो मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगा। बाकी इसमें कलर ऑप्शंस आपको काफी सारे मिल जाएंगे, लाइक कलर और प्रिंट काफी सारे दिए हुए हैं, तो आप चेकआउट कर सकती हैं। ये है एक शॉर्ट कुर्ती, फैब्रिक इसका दिया हुआ है कॉटन रेयॉन, तो कंफर्टेबल रहने वाला है। पूरा ही प्रिंटेड कुर्ता है, तो कुछ वॉश के बाद खराब होने का भी कोई इशू नहीं है। लेंथ आप इसके ट्राई ऑन में देख सकती हैं, मेरी हाइट 5'2" है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आइडिया लगा लीजिएगा। बाकी लेंथ शॉर्ट कुर्ती के हिसाब से, ट्विनिक के हिसाब से अच्छी दी हुई है। बैक साइड से कुछ इस तरह का है, बस इसमें आपको हल्की सी डिटेलिंग मिलेगी, लाइक फैब्रिक की ही डिटेलिंग है, तो डेफिनेटली आप इसको मशीन वॉश भी कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, साइज मेरा है मीडियम, बट फ्लिपकार्ट से और मीशो से साइज का बहुत ज्यादा इशू होता है, तो आपको पता है मैं एक साइज अप बाय करती हूँ, तो मैंने इसमें लिया हुआ है साइज L। और फिट आप इसका देख सकती हैं, मुझे L के बाद भी बिल्कुल फिटेड काइंड आया है, लाइक लूज नहीं है बिल्कुल भी। तो आप इसमें डेफिनेटली एक साइज अप बाय कीजिएगा, और अगर आपको लूज फिट चाहिए तो आप दो साइज भी अप कर सकती हैं। नेक्स्ट जो कुर्ती है, अच्छा मुझे कमेंट आ रहा था कि मोक्षी ब्रांड के कुछ पीसेस दिखाइए, तो मैंने इस वाली वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो ये वाली जो कुर्ती है वो मोक्षी ब्रांड की ही है, साइज मैंने इसमें भी L लिया है। इसमें आप अपना ट्रू साइज भी बाय कर सकती हैं, क्योंकि इसका जो फिट है वो काफी ज्यादा मुझे लूज आया। बाकी मुझे जो इसका लाइक, मैं कुर्ती अभी आपको दिखाऊंगी, इसका जो पैटर्न है, जो सिल्वेट है, वो लूज फिट में बहुत बहुत ज्यादा स्मार्ट लगने वाली है। तो आप डेफिनेटली इसको आउटिंग्स के लिए, लाइक अगर आपको मार्केट वगैरह जाना है या आपकी कोई ई पार्टी है, किट्टी पार्टी है, या फिर वर्क वियर के लिए आप इसको स्टाइल कर सकती हैं। बहुत ज्यादा स्मार्ट पीस है, इसकी डिजाइनिंग बहुत स्मार्ट है, और काइंड ऑफ टाई एंड डाई में आपको ये वाली कुर्ती मिलेगी। इसमें कलर ऑप्शंस काफी सारे दिए हुए हैं, तो आप चेकआउट कर सकती हैं। बटन डाउन स्टाइल में ये वाली कुर्ती दी हुई है, और नीचे से आपको मिलेगी ये ए लाइन में। अच्छा, जो बटन इसके दिए हुए हैं वो फंक्शनल नहीं है, सारे ही क्लोज बटन आपको मिलेंगे, और नीचे से आपको मिल जाएगा इस तरह का स्लिट, और नीचे से इसका कुछ इस तरह का फ्लेयर दिया हुआ है। बाकी इसकी जो स्लीव्स दी हुई हैं उस पर आपको मिल जाएगा इस तरह का कफ्स की डिटेलिंग, तो काइंड ऑफ शर्ट स्टाइल का इसका लुक दिया हुआ है। बाकी ट्राई ऑन में आप इसका लुक देखिए, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सा आया। मैंने इसे जीन्स के साथ पेयर किया था, तो एक बड़ा सा हैंड बैग लेकर इसका लुक एकदम कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ही प्यारा लगा मुझे तो इसका लुक। नेक्स्ट जो कुर्ता है, ये भी मैंने एल साइज में ही बाय किया हुआ है, और ये भी है मोक्षी ब्रांड का। अच्छा, फिट जो है इसका भी सिमिलर था, तो इसमें भी आप अपना ट्रू साइज ले सकती हैं। फैब्रिक जो इसका दिया हुआ है वो विस्कोस रेयॉन दिया हुआ है, और उस वाली कुर्ती का भी फैब्रिक रेयॉन ही दिया हुआ था, आई थिंक मैंने मेंशन नहीं किया था। बाकी फैब्रिक उसका भी अच्छा है और इसका भी अच्छा दिया हुआ है। इसके योग पर आपको मिल जाएगी इस तरह की लेस की डिटेलिंग, पूरा ही प्रिंटेड कुर्ता है, स्ट्रेट कट में है, और इस वाले कुर्ते की लेंथ बहुत अच्छी दी हुई है, लास्ट पीस की भी लेंथ बहुत अच्छी दी हुई थी। और इस तरह का ऑल ओवर आपको प्रिंटेड कुर्ता मिलेगा, स्लीव्स पर भी लेस का इस तरह का डिजाइनिंग मिल जाएगी, तो ये वाला भी अच्छा है पीस। लाइक फैब्रिक क्वालिटी तो सारे ही पीसेज की मुझे अच्छी रिसीव हुई है। नेक्स्ट जो कुर्ती है,
फिट की अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वन साइज अप में एकदम सही लगा मुझे। डेफिनेटली अगर मैंने इसमें अपना ट्रू साइज लिया होता तो वो मुझे टाइट हो जाता। बाकी ये वाली जो कुर्ती है पहनने के बाद बहुत सुंदर लग रही थी, और इसमें भी आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। शॉर्ट लेंथ की ये वाली कुर्ती दी हुई है, तो जीन्स वगैरह के साथ इस तरह के पीसेस बहुत स्मार्ट लगते हैं। पूरी ही कुर्ती पर आपको मिल जाएगा फ्रंट और बैक प्रिंट, स्लीव्स इस तरह की दी हुई है इसकी, और मुझे इसका कलर भी बहुत अच्छा लगा मेहंदी ग्रीन। बाकी कलर ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल है, और साइज आप इसमें एक अप बाय कीजिएगा तो आपको परफेक्ट फिटिंग मिलेगी। नेक्स्ट जो कुर्ती है वो मैंने ली है सॉलिड में, और ये वाली जो कुर्ती है ये मैंने ली है, टैग तो इस पर नहीं लगा हुआ है, बस छोटा सा ये लाइक इस तरह का स्टिच वाला जो टैग होता है इस पर RRSS कुर्तीज लिखा हुआ है, बट प्रॉपर जो टैग होता है वो इस पर नहीं है। साइज मैंने इसमें भी लिया हुआ है L, और फिट जो है इसका मुझे काफी ज्यादा लूज आया, तो इसमें डेफिनेटली आप अपना ट्रू साइज ही बाय कीजिएगा। ये बिल्कुल ट्रू है, लाइक L साइज में जो फिट होता है उसमें बिल्कुल ट्रू साइज दिया हुआ है, तो आप अपना ट्रू साइज बाय कीजिएगा। सॉलिड में ये भी प्यारा सा पीस है, इसमें जो दी हुई है डिजाइनिंग भी सारी येल्लो कलर से ही दी हुई है, मस्टर्ड येल्लो कलर से, तो आप देख सकते हैं इस तरह की आपको डिजाइनिंग मिलेगी। लेंथ कुर्ते की बहुत अच्छी दी हुई है, बहुत प्यारा सा लाइक डिटेल दी हुई है इसमें लेस वर्क की और एम्ब्रॉयडरी की, एम्ब्रॉयडरी भी पूरी सेम कलर से है, तो सॉलिड में पीस है, और जो स्लीव्स का डिजाइन है वो आप देख सकते हैं इस तरह से डबल में यहाँ पर स्लीव्स में डिजाइनिंग दी हुई है जो बहुत प्यारी लगी। आई थिंक इसमें एक कलर और अवेलेबल है तो आप वो चेकआउट कर सकती हैं, बैक साइड से आपको कंप्लीटली इस तरह की मिलेगी, और फैब्रिक इसका दिया हुआ है विस्कोस रेयॉन, तो फैब्रिक क्वालिटी अच्छी है। सी थ्रू कोई भी पीस नहीं है तो आपको लेयरिंग बिल्कुल नहीं करनी होगी। नेक्स्ट जो है वो भी है एक शॉर्ट कुर्ती, और इसका जो फैब्रिक दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्योर कॉटन। फिट है इसका लाइक मैंने लिया हुआ है L साइज, तो फिट जो है इसका हल्का लूज फिट में था, तो आप इसमें ट्रू साइज भी बाय कर सकती हैं, तो वो भी ठीक आएगा। बाकी ये वाला पीस आई थिंक 200 to 225 कुछ ऐसे ही रेंज थी, तो इसकी जो फैब्रिक क्वालिटी है वो बेकार तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी आपको फैब्रिक क्वालिटी नहीं मिलेगी। लाइक एक दो साल तो आप इसको यूज कर सकते हैं, उसके बाद अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचे कि 200-250 में ऐसा पीस मिल जाएगा जो आप लॉन्ग टर्म यूज कर पाए, तो आई थिंक वो यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी जो फैब्रिक क्वालिटी है थोड़ी हल्की दी हुई है। इसकी जो डिजाइनिंग है वो बहुत ज्यादा सुंदर है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी इस तरह की लेस की डिटेलिंग, स्लीव्स पर भी लेस की डिटेलिंग दी हुई है इस तरह से। बाकी ऑल ओवर आपको प्रिंटेड शॉर्ट कुर्ती मिलेगी इस तरह की, तो वॉश करने के बाद कुछ भी ऐसा खराब नहीं होगा। और हो सकता है लाइक कई बार फैब्रिक्स होते हैं जो वॉश करने से पहले थोड़े ऐसे लगते हैं और वॉश करने के बाद वो थोड़े गफ हो जाते हैं, तो फैब्रिक क्वालिटी बेकार नहीं है, 200 के हिसाब से अच्छी फैब्रिक क्वालिटी दी हुई है, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि 200 में आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी मिलेगी। नेक्स्ट जो कुर्ता है ये बहुत ज्यादा सुंदर है, बंदेज प्रिंट में कुर्ता है, और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है व्हाइट के साथ लाइक जो पिंक पीचेस कलर है वो बहुत सुंदर है। इसमें भी आपको आई थिंक एक कलर और मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकती हैं। इसके योग पर आपको मिल जाएगी थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी की डिटेलिंग, तो व्हाइट कलर के थ्रेड से फेक मिरर्स की और जरी की इस तरह की सटल सी एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, और पूरा ही कुर्ता आपको मिल जाएगा इस तरह से बंदेज प्रिंट में। कुछ भी ऊपर से प्रिंट इसमें नहीं किया हुआ है, तो वॉश करने के बाद खराब नहीं होगा, इस तरह का आपको प्रिंटेड कुर्ता मिलेगा। और फैब्रिक इसका दिया हुआ है विस्कोस रेयॉन, और इसको मैंने लिया हुआ है साइज, इसका मैंने मीडियम साइज लिया हुआ है, तो शायद कोई नोन ब्रांड से मैंने लिया होगा, बाकी इस पर कोई टैग वगैरह तो नहीं दिया हुआ है, तो इसमें मैंने मीडियम साइज लिया हुआ है। फिट जो था मुझे इसका मीडियम में बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन बहुत ऐसा लूज नहीं था, लाइक जो थोड़ी सी लूजिंग होती है वो नहीं थी, बट फिटिंग अच्छी थी, तो आप अपना ट्रू साइज भी इसमें बाय कर सकती हैं, या फिर अगर आपको लूजिंग और कंफर्टेबल फिट चाहिए तो एक साइज आप भी बाय कर सकती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप कलेक्शन आपको पसंद आया हो। तो मैंने कोशिश की थी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल पीसेस पिक करने की, क्वालिटी तो प्राइस के अकॉर्डिंग सभी अच्छी थी, बाकी डिटेल्स मैंने आपको वीडियो में बता दी। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन माई नेक्स्ट, बाय बाय।